फ्रेंड्स, आई एम तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तेजस्वीज एंड तूजान्स वर्ल्ड। तो जैसे कि रिपब्लिक डे आने वाला है, तो हमें बहुत सारा सामान फैशन के लिए और ऐसे ही मतलब जो चाहिए होता है वही चाहिए तो है ना। तो अभी तो हम बहुत कम चांस है कि हम मार्केट जाए वो सामान लाए, बहुत ही कम चांस है। तो इसीलिए मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ 5 अमेजिंग क्राफ्ट्स जो कि रिपब्लिक डे रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट DIY है वो है ट्राइकलर पेन। ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, बट रिपब्लिक डे स्पेशल पेन, अगर आपको किसी कुछ लिखना है तो उस पेन से अगर आप लिखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसे सिंपल पेन से लिखो तो समझ गए होंगे। तो इसीलिए हम एक ट्राइकलर पेन बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल DIY वाला है। तो पेन बनाने के लिए हमें चाहिए नॉर्मल वाइट शीट, और अगर आपके पास ये है तो ठीक है, बट आपके पास अगर कलर पेपर्स नहीं हो तो आप ऐसे हम मेरी तरह जुगाड़ करके वाइट शीट लेना, उसके ऊपर कलर करके यूज़ कर लेना, ये है ना अच्छा ट्रिक। तो इसी बात मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें चाहिए सिज़र्स और ग्लू, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेंसिल्स एंड ओ माई गॉड मेरी इरेज़र खा गया, इरेजर एंड सिंपल पेन जो कि सबके घर में अवेलेबल होता ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ढक्कन को खोल देनी है और फिर इससे आपको ऐसे जो मेजरमेंट है इतने ऐसे मेजरमेंट्स को लेनी है, ऐसे यहाँ पर ऐसे आपको जितना आपकी पेन का साइज़ है यहाँ पर ऐसे उसको मार्क कर देनी, क्योंकि मेरी मेजरमेंट इतनी है। और हाँ, ध्यान रखना आपकी जो ये पेन है ना, यहाँ तक मेजरमेंट मत लेना, तो ये यहाँ तक मापना, देखो मेरे फिंगर का है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अभी इसको अभी कट करके पेस्ट कर देती हूँ, और वो भी वाइट कलर से, बिल्कुल वाइट कलर करना। अगर आपके पास कलर पेपर है फिर भी ये जो कवर करना है ना वह वाइट पेज से ही करना, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं इसको सजाने के बाद। एंड गाइस, मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ बस मेजरमेंट को मार्क करने के लिए। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर वाइट पेपर रोल कर दिया, अब देख सकते हो। और अभी आई है सबसे मेन चीज़, तो मुझे थोड़ा सा कार्डबोर्ड चाहिए इसी के लिए। मैं ऐसा करती हूँ, आपको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बस होने ही वाला है। ये देखो गाइस, मेरा तिरंगा पेन लग रहा है ना, कितना क्यूट और ब्यूटीफुल। हाँ, इस तरह मैंने स्वेटर से चिपकाए हैं, क्योंकि ग्लू से अगर होता तो ऐसे निकाल जाता, तो इसलिए हमने सेलो टेप दी है। कितना प्यारा ना, कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। बट अभी इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगी, क्योंकि हमने अभी ही इसको स्टिक करी है। तो तब तक हम प्रोसेस करते हैं नेक्स्ट DIY में। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट DIY है वो है DIY फ्लैग, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रिपब्लिक डे में। सो अभी मैं पेपर को अच्छे से कट कर रही हूँ, मैं हाफ पेपर ले रही हूँ, आप चाहे तो फुल पेपर भी ले सकते हैं। मैंने पेन के लिए इतना पेपर रखा था, उसका हाफ मैंने बचा कर रखा है। एंड गाइज, इसको कंजूसी नहीं बोलते, इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। अरे यार, मेरा तो कैमरा ही गिर गया। हाँ, अब सही है यार, मतलब रिसाइकलिंग ही नहीं, मतलब यूज़ करना बोलते, मतलब इतना सारा पेपर वेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। वेट, अभी मैं ना कट कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा हाफ। अरे यार, इसको क्या प्रॉब्लम, क्या है कैमरा को, रुको
एक जुगाड़ है मेरे पास, काम कर गया। सो ये है मेरा हाफ पेपर, तो अभी मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ अच्छे से। इधर करूँ, इधर इधर करती हूँ, अच्छा होगा फिर। एंड ये ना आप थोड़ा सा ब्रॉड बनाना, थोड़ा सा ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं, तो मैं थोड़ा सा ब्रॉड बोल रही हूँ, आप समझ सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। ओके, सो फोल्ड तो हो चुका है एंड अभी मैं इसको स्टिक करने वाली हूँ। आई होप कि ओपन ना हो जाए, थोड़ा सा रख देती हूँ, सारा नहीं चाहिए। ओके, सो माय स्टिक तो बन चुकी है, लेकिन अभी फिनिशिंग देना बाकी है, हाँ फिनिशिंग देना बाकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी क्योंकि इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। थोड़ा सा मैंने छोटा किया है, ला 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 ला। ओ ये तो ट्रायंगल बन गया, वाह अच्छा मैजिक था। तो अभी जो करना है वही, हाँ वो हमें बस फ्लैग की तैयारी करनी है, मतलब कलर्स करके यार समझ जाओ। तो मैं कलर्स को अच्छे से करके मैं कलर्स को करके आपसे मिलती हूँ। अरे यार हाँ, ये बन रहा है अशक चक्रा, वाह अशक चक्रा तो मेरा कभी भी गोल नहीं बनता, आज गोल बन गया, अच्छी बात है। 24 स्पोक्स होते हैं अशक चक्रा में। हो आप कब आए? तो मैं अभी फ्लैग को कंप्लीट ही कर रही हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ओके सो ऑलमोस्ट डन एंड डन। ओके तो ये रहा मेरा फ्लैग, आप देख सकते हो, और ये रहा मेरा डंडा जिससे मैं चिपकाऊंगी। तो चलो करते हैं इसको, ग्लू देते हैं, चलो थोड़ा सा ग्लू ले लेती हूँ, इतना सारा ग्लू वेस्ट क्यों करें। अरे खड़ा हो जाना, अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लू ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। गाइस ये पेपर है ना, तो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके तुम्हारा फ्लैग स्टिक हो चुका है, ये 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 गाइस देख रहे हो, मेरे को रियल फ्लैग लग रहा है ना, वंदे मातरम। ये तो मैं रिपब्लिक डे पर करूँगी, अभी रख देती हूँ संभाल कर ये फ्लैग, कितना प्यारा है छोटू सा फ्लैग है ना। ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो हमारे हुए दो DIY, एक है DIY पेन एंड DIY फ्लैग, अभी 3 DIY और बचे हैं। कौन से मैं भूल गई, ओ अच्छा वो आपको मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। तो चलो अभी प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट DIY में। सो गाइस नेक्स्ट DIY जो है वो हमारा है DIY ट्रिकलर बैच, तो उसके लिए बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, पेपर, कलर्स और सेफ्टी पिन जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अभी चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कार्डबोर्ड चाहिए, ये पूरा बॉक्स ही है कार्डबोर्ड का, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ले लेती हूँ
एक्चुअली ये केक का बॉक्स है एंड मैं ऐसे बॉक्स को रख देती हूँ क्योंकि ये अच्छा वाला यहाँ पर कार्डबोर्ड मिल जाता है, तो मैं इसको नहीं फेंकती क्योंकि लगता है ना इसलिए। ये क्या था? तो मैं इसको फोल्ड करके शेप दूँ या फिर ऐसे ही शेप दूँ? फोल्ड करके दे देती हूँ। ओके सो अभी मैं फोल्ड करके हार्ट का शेप। ओके सो गाइस, मैंने ये हार्ट को भी ट्राई कलर में रेडी कर लिया। तो अब है सबसे डेंजरस पार्ट, जो कि आपको एडल्ट सुपरविजन से करना है। मेरी मम्मी यहाँ पर है बट वो कैमरा पे नहीं आ रही है, तो मैं भी एडल्ट सुपरविजन के साथ ही कर रही हूँ। ये जो सेफ्टी पिन, उसको हमें ऐसे प्रिक करना है यहाँ पर, या फिर मैं आपको इजी तरीका बताऊँ? रुको रुको, ऐसे लेना है सेफ्टी पिन को, ऐसे घुसा देना यहाँ पर, मम्मी पापा से करवाना एंड ऐसे आपके क्लोथ्स के साथ बंद कर देना है। अरे ये तो नहीं हुआ, रुको एक मिनट मैं करती हूँ। मैं मिडल से घुसाती हूँ ताकि अच्छे से रह जाए एंड अभी कपड़ों में घुसाऊँ। ये देखो मेरा प्यारा सा बैच, अच्छा है ना? वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आया। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट DIY है वो है DIY रिंग, तो वो आपको बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। तो उसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, जो कि मैं स्ट्रिप्स जैसे कट कर रही हूँ ऐसे, राइट मेजरमेंट्स। ओके ठीक है, ये फोल्डेबल है, इसको हटा दीजिए। तो अभी हमारे फिंगर के साइज ले लेना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है? रिंग जैसा। फिर रुको, यहाँ से मैं देखती हूँ अच्छे से हो या नहीं हो रहा है, मैं मार्क कर लेती हूँ। हो गया। तो अभी मैं इसको चिपकाऊंगी यहाँ तक थोड़ा सा ग्लू देकर, एंड फिंगर मेजरमेंट्स लेना ज़रूरी है, या फिर कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है, ऐसा हो सकता है अगर आप खुद के लिए बना रहे हो या अगर या अपनी फ्रेंड या फिर मम्मी, तो यह सरप्राइज़ नहीं रहेगा क्योंकि आपको मेजरमेंट्स तो लेना ही है। पर अगर आपको मेजरमेंट पता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके तो मैं इसको चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कार्डबोर्ड है, बहुत इजीली नहीं चिपक जाते हैं, ठीक है? तो मैं उसको अच्छे से चिपका के, मतलब ड्राई करके मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है गाइस? वो कार्डबोर्ड है ना नहीं चिपक रही थी, तो मैंने इसके ऊपर वो कलरिंग सेलोटेप होता है ना, वो रेड कलर का मैंने चिपका दिया क्योंकि मेरे पास ऑरेंज या ग्रीन कलर का नहीं था। और यहाँ पर मैंने फोम शीट से, वाइट कलर के फोम शीट से सर्कल कट करके ऐसे करके इंडिया लिख दिया, अच्छा है ना? ये मैंने ना ग्लिटर पेन से लिखा है, अच्छा है ना? आपको पसंद आया ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे ये तो आपको पसंद आया ही होगा, कितना प्यारा है ये यार रिंग, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DIYs में हम बनाने वाले हैं DIY बुकमार्क, जो कि सबसे ईजीएस्ट है बट ये यूज़ भी नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, न्यू है।
DIY ट्रिकलर बुकमार्क। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड, जिसको हम अपने बुकमार्क के साइज में कट कर रहे हैं। आप जैसे भी चाहे कट कर सकते, मैं तो ऐसे स्ट्रिप्स जैसे कट कर रही हूँ, ठीक है। तो अरे ये कट क्यों नहीं हो रहा है, इतना हार्ड है ये। हाँ अच्छा भी है, अच्छे से टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ग्लू लगाने के बाद है ना वो तो गीला गीला बन जाता है और कार्डबोर्ड है ना ये हो जाते हैं, टूट जाता है। इसलिए हार्ड ही कार्डबोर्ड लेना, या फिर आपका सारा मेहनत वेस्ट में चला जाएगा। तो अभी हमने बुकमार्क की साइज में ऐसे कट कर लिया है, आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना पेपर चिपका देंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ अभी अच्छे से मैं अभी इसको स्टिक करूँगी ताकि अच्छे से हो जाए, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। ओके तो मैं आपको मिलता हूँ अच्छे से पेपर देने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने ऐसे फोल्ड किया है और ऐसे मैंने इसको सेलोटेप चिपका दिया। तो अभी करना कुछ नहीं है, बस मार्कर से 3D लेटर्स लिख के उसको इंडिया मतलब लिख के ऐसे कलर कर देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ और मैं भी यही चीज़ें यूज़ करूँगी। सो ये हुआ आई, ये हुआ N, ये हुआ D एंड ये फिर से हुआ ओके ठीक है, ये फिर से हुआ I, जो कि मैंने थोड़ा सा स्टाइल से लिख दिया है। ओके इंडिया। हाँ सो अभी मैं लिख रही हूँ ए एंड ये हो गया फिनिश। ओके तो अभी मैं इसको ग्लिटर पेन से कलर करूँगी ताकि ये थोड़ा सा शाइनी बन जाए। ये रहा इंडिया, बीच वाला ऐसे रख देती हूँ, मुझे पता है आप बोर हो जाओगे इसलिए मैंने वीडियो को कर दिया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो ये बन गया हमारा न्यू बुकमार्क। सो ये रहा हमारा बुकमार्क, ये रहा हमारा फ्लैग, ये रहा हमारी प्यारी सी रिंग, ये रहा हमारा ट्राई कलर पेन और ये रहा हमारा ट्राई कलर बैच। सो गाइस कैसा लगा आपको इतने सारे अच्छे अच्छे एंड अमेजिंग क्राफ्ट्स एंड DIYs जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो मेरे पास यही थे, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।